Assalamualaikum, welcome to Amir Speaks. आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy Buds Plus की कॉपी की। तो ये पासनी मार्केट के अंदर आपको राउंड अबाउट 2500 से 2600 के प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगी। सिंपली इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है ये डिवाइस और यहाँ पर इन ईयर एक्सपीरियंस क्या देती है ये डिवाइस। उसके अलावा बात करेंगे साउंड क्वालिटी क्या है, ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इस प्राइस टैग के अंदर लाइक इन्फिनिक्स के आयरोकर अगर आते हैं, टेक्नो के हाईपॉड्स आते हैं, वो किस तरह परफॉर्म करते हैं ये भी हम इसके बात करेंगे। तो सिंपली जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है ये डिवाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार आ चुका हूँ मैं सैमसंग बर्ड्स प्लस के ऊपर। ये मास्टर कॉपी आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए इसकी प्राइसिंग की तो राउंड अबाउट 2500 से 2600 के आसपास आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगी। तो सिंपली अगर बात करें बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही यहाँ पर आपको लुक प्रोवाइड कर देती है। उसके अलावा लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर आपको सिंपली सैमसंग गैलेक्सी बर्ड प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इसकी बैक साइड के ऊपर तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन बताई जाती है एज इट इज़, जैसे आपको ओरिजिनल बर्ड्स प्लस के अंदर देखने को मिल जाती है। सिंपली अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ये सैमसंग के बर्ड्स प्लस। तो यार अगर बात कीजिए यहाँ पर लुक की तो काफ़ी शाइनी लुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स होप कि ये शाइनी प्रोडक्ट भी हो। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सिंपली एक टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास रबर्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, एडजस्टमेंट के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जैसे आपके लिए इजी हो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिंपली इन चीज़ों को मैं आपसे रख देता हूँ, मेन चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि हमारे पास है सैमसंग के बर्ड्स प्लस। और तो ये मास्टर कॉपी है तो सिंपली इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर हाइलाइटिंग किया गया है लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर। अगर बात करें इन बर्ड्स की तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं बॉटम साइड के ऊपर भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है लेफ्ट साइड और राइट साइड को, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि कौन सा लेफ्ट साइड के ऊपर चार्जिंग के लिए खासतौर पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली अब हम इनको यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइस से, देखते हैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आपने इनको ऑन करना है तो सिंपली आपने यहाँ पर इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। दोनों सेंसर यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों को आप ऑन कर लें तो यहाँ पर सिंपली आप इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ करके देखते हैं हम क्या एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। यार अगर बात करूँ यहाँ पर सिंपली इस डिवाइस की तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देखी, इसके माइक्रोफोन का टेस्ट आउट आप लोगों ने चेक कर लिया, उसके अलावा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतर थी। अपने प्राइस टैग के लिहाज से सेटिस्फाई किया अपने प्राइस टैग को, क्योंकि इस प्राइस रेंज के जो दूसरी डिवाइसेज आती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती हैं। तो यहाँ पर आपको जो लोग सैमसंग को फॉलो करते हैं लाइक आईफोन की तरह, उनको भी क्लोन्स का काफ़ी शौक होता है, तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है जो कि सैमसंग लवर्स हैं। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इन ईयर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर इन ईयर एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी बेहतर मुझे देखने को मिला। उसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी तो नहीं है जो कि आपको प्रीमियम लुक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि एक ओरिजिनल डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन प्राइस टैग के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस प्राइस टैग के लिहाज से तो सिंपली यहाँ पर नॉर्मल सी जो क्वालिटी आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो आपको इस प्राइस रेंज के अंदर इसी तरह की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अब आप लोग मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में ये डिवाइस 2500 से 2600 के प्राइस टैग के अंदर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। उसके अलावा मैंने तो आपको बता दिया इसका जो साउंड रिजल्ट था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बेहतर लगा, अपने प्राइस टैग के लिहाज से इसने जस्टिफाई किया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सिंपली इन ईयर एक्सपीरियंस का वो भी काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर मेरे नहीं ख्याल आपको कोई इशूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।